सरकार के फरमान के दाएं बाएं, सरकार के फरमान के दाएं बाएं बख्शिशे रहती है मेहमान के दाएं बाएं। और नाद के जितने शोरा हैं बरोज़े महशर सब नजर आएंगे हसान के दाएं बाएं। दोस्तों, इस खूबसूरत नादिया मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं अली जनाब अज़ीज़ुर रहमान साहब कासमी दामदार का दुगमुल आलिया। मैं उनकी जानिब से चार मसले इन तक पहुंचाता हूं और आप सबकी दुआएं चाहता हूं। क्या अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूं तिलावत नाज करती है। अकीदत नाज करती है। मेरे दोस्तों, इस तरीके से सुनिएगा कि वर्ष खुदा की वाकई मजा नहीं आ रही है प्रोग्राम में। अगर आप वाकई प्रोग्राम सुनना चाहते हैं एक बार मचल मचल बोल दीजिए सुभान अल्लाह, क्योंकि वो ठीक होकर भी बेकार लगने लगते हैं। वो ठीक होकर भी बेकार लगने लगते हैं। जो बोलते नहीं वो बीमार लगने लगते हैं। जनाब, अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहाँ गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। तो दोस्तों, बोले थोड़ा सा बोले, क्योंकि बोलना पड़ा पड़े दोस्तों। हालांकि ये पर्वत कहानी नहीं है, तारीख नहीं, पर फूल पर कभी पानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, दुनिया की घूमने की कहानी नहीं। दोस्तों, हमें बोलना पड़ेगा। एक बार चह कह कर दिया सुभान अल्लाह। आइए दोस्तों सुने कि अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। यू तो सदारत के लिए बहुत से नाम आए थे, यू तो सदारत के लिए बहुत से नाम आए थे, लेकिन हजरत अज़ीज़ुर रहमान साहब पर सदारत नाज करती है। आइए तो ये तो वक्त काफी हो गया है। आइए मैं हिंदुस्तान के चंद चंद्र के दरवाजे पर दस्तक देता हूँ और उनके डायरी से चार चार मिसरे चुराता हूँ। अगर चुराने में कामयाब होता हूँ तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। बिलखुसूस दस दर बैठे होता हूँ माहौल माई ग्राम शोरा रंग। एक बार अब आप चल कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह कि नबी का चाहने वाला है दुनियादार थोड़ी है। नबी का चाहने वाला है दुनियादार थोड़ी है। गुलाम अहमद मुख्तार है गद्दार थोड़ी है। अरे जमीन से ही मलक के चांद को टुकड़े कर डाला या मुझसे रिसालत है कोई तलवार थोड़ी है। दोस्तों, जब ये बात इंदौर पहुंची तो इंदौर के शायर उर्दू अदब के टाइगर डॉक्टर हक इंदौरी ने कहा, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है। ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मेरे दोस्तों, जब ये बात थोड़ी और आगे बढ़ी तो मंसूर उस्मानी ने कहा, हमारे जैसे किसी